हेलो व्हाट्सअप। तो मैं अभी मॉर्निंग कार्डियो करके आया हूँ, तो स्किन थोड़ी ऑयली वगैरह हो रखी है, स्वेट आ रखा है, सो इग्नोर कर देना। बट मुद्दे की बात यह है कि पहली बार लाइफ में पहनावा, मतलब पहनावा मेरा इंस्टाग्राम का चैनल है, हैंडल है, तो अगर फॉलो नहीं कर रहे हो तो चेक जरूर कर लेना, बहुत सही स्टाइल इंस्पिरेशन होती है। एनीवे प्रमोशन हो गया उसका। अब मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दे की बात यह है कि पहनावा ना पहनावा क्यों हो रखा है, तो उसका रीज़न मैं दिखा देता हूँ। तो पहले तो यार ये ना थोड़ा ज़्यादा ही डिफिकल्ट है मेरे लिए, बिकॉज मैं काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हूँ अभी भी, और थोड़ा ना मुझे मतलब अजीब सा लग रहा था कि सोशल मीडिया पे ऐसे कुछ करने के लिए। बट यार मैंने सोचा कि यू नो आई थिंक इट्स जस्ट अ वे ऑफ शोइंग माई लव कि भाई मतलब लिटरली ज़िंदगी में चल क्या रहा है। तो यार अब सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है ये, मतलब मैं कभी भी इतना ज़्यादा आउट ऑफ शेप ना लाइफ में नहीं हुआ। ये जो इतनी चर्बी आ गई है ना, मतलब दिस इज़ लाइक वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स आई हैव एवर फेस्ड, और मैं बहुत ज़्यादा लिटरली सैड हूँ इस चीज़ को लेके। यू नो देयर आर टाइम्स जब मैं शूट कर रहा होता हूँ, मेरे को पेट वेट ऐसे खींचना वींचना पड़ता है, और बहुत ना बुरा लगता है उस चीज़ को लेके। और ये बेसिकली इसका रीज़न ये रहा है, इस सारी चर्बी का। ये जितना है ना, अगर आप देखो तो ऊपर का मामला सही है, यू नो द डेल्ट्स आर गुड, टॉर्सो सही है, बाइसेप वाइसेप बन रहा है, पहली बार इतनी मसल बनी है मेरी बॉडी में, दैट इज़ ऑल्सो वन गुड थिंग। बट ये जो सारा है ना, ये मैंने थोड़ी रिसर्च करी, अपनी डाइटिशियन से पूछी, ये सब है स्ट्रेस का मामला। तो पिछले एक साल में स्ट्रेस ईटिंग हुई बहुत ज़्यादा, और साथ में अगर आप जनरली स्ट्रेस लेते हो ना किसी भी चीज़ का लाइफ में, तो एब्डोमेन के आसपास आपकी बॉडी आपका फैट स्टोर कर लेती है, जस्ट इन केस आपको एक्सेसिव एनर्जी की ज़रूरत हो तो उसको रिजर्व की तरह यूज़ करती है। दैट इज़ वॉट माई गूगल फाइंडिंग्स वर। अब मुझे नहीं पता इसका एक्चुअल साइंस क्या है, क्योंकि मैं न्यूट्रिशन हेल्थ वेल्थ में बिल्कुल भी नहीं हूँ। एनीवे तो पॉइंट ये है कि अब यहाँ से लेके 60 दिन तक अगले में आई एम गोना ट्राई सम डिसेंट डाइट। देखो मैं क्रैश वगैरह नहीं करने वाला, मतलब मेरी आज की डाइट में मैकडॉनल्ड्स, बटर चिकन और कबाब और पता नहीं क्या क्या इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें चलती हैं। मतलब मैं डाइट कोक हर मील के साथ लेता हूँ, कभी ब्रेकफास्ट में डाइट कोक ले लेता हूँ, डाइट कोक मतलब है नहीं डाइट कोक बट टेस्ट के लिए लेता हूँ। साथ में चाय की आदत है, मतलब आदत क्या है, बहुत ज़्यादा लत है, ऐसे 6-6 कप चाय पी लेता हूँ कभी कभी। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी कर रहा हूँ, मुझे पता है कि क्या गलत है, बट उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें ना इसकी वजह से भी है, क्योंकि पैटर्न्स ऐसे बने हुए हैं। फिर कभी ज़्यादा स्ट्रेस हो गया तो भाई एक्सक्यूज़ मिल गया, तो अब मुझे वो अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आना है। और पहली बार मैं ऐसी जर्नी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई होप कि मैं इसमें सक्सीड कर जाऊँ, हो सकता है मैं फेल भी हो जाऊँ, नॉट अ बिग डील, आई एम ओपन टू दैट। सो लेट्स सी हाउ इट एक्चुअली गोज। मैं सोच रहा हूँ हर 10-15 दिन में एक अपडेट देता रहूँगा कि भाई ये सीन है, सो लेट्स सी how it goes, and I'm actually quite excited to share my journey with you all. Okay, तो मैंने ये कहा था कि मैं हर 10-15 दिन में अपडेट देता रहूँगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उस वीडियो के बाद ये वीडियो आज मैं 3 महीने बाद बना रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है। इनफैक्ट ये 3 महीने में ना मैंने इतना कुछ सीखा है अपनी बॉडी के बारे में, और इतने सारे मेरे मिथ्स स्पष्ट हुए हैं। जितनी आसान मुझे चीज़ें लगती थी, ये पता चला है कि उतनी बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट आज की कंडीशन से ज़्यादा अच्छी कंडीशन मेरी 1 महीने पहले थी, बट यही था कि इस बीच मेरा बर्थडे आया, मेरी 2 बार तबीयत ख़राब हुई अनफॉर्चुनेटली, और साथ ही साथ मेरे 2 बहुत बड़े ट्रिप्स रहे। पिछले महीने मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी थी बिकॉज गोवा जा रहा था, बट उसके बाद गोवा दिल्ली हुआ, फिर मेरी डाइट ख़राब हो गई एंड फिर बॉडी की कंडीशन ख़राब हो गई। बट वी आर डेफिनेटली वे मोर अहेड देन वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम। ऑलराइट, सो हियर इट गोज। ये सेम शॉर्ट्स मैंने जानबूझ के पहनी है ताकि ज़्यादा फर्क ना पड़े, और लाइट भी ऑलमोस्ट सेम है, और ये अभी कुछ कंडीशन चल रही है। जब मैंने स्टार्ट किया था तब से अब में 2 किलो का फ़र्क है, और 1% बॉडी फैट कम हुआ है, और ये आप देख सकते हो कि पहले से मस्क्युलैरिटी डेफिनेटली बढ़ चुकी है, स्ट्रेंथ मेरे अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, उसका बहुत फ़र्क है, मेरे वर्कआउट्स का लेवल बहुत अच्छा हो चुका है, बट दिस फैट इज़ स्टिल देयर। दिस इज़ मेजरली जेनेटिक ऑल्सो, और ये जो बहुत स्टबन फैट होता है इसको निकालना और ज़्यादा मुश्किल है। एंड नाउ द नेक्स्ट फेज ऑफ माई डाइट ट्रांसफॉर्मेशन वर्कआउट व्हाटएवर यू वांट टू से इज स्टार्टिंग। इनफैक्ट अगले 30 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 15 दिन बाद एक वीडियो में डेफिनेटली बनाऊंगा, देखूंगा यार। मेरे को ऑनेस्टली पता है, अब तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता कि मैं ये अचीव कर लूँगा, वो कर लूँगा, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि आपको भी आपकी बॉडी का रिस्पांस बहुत सारी जगहों पे नहीं पता होता। ये मुझे ज़िंदगी में पहली बार पता चला है इस पूरे ड्यूरेशन में, क्योंकि इतना कुछ सीखा है मैंने। 30 दिन हो गए हैं पूरे, अब मुझे पता है मैंने आपको बोला था मैं 15 दिन में आपको दिखाऊंगा अपडेट, बट 15 दिन में बहुत ज़्यादा नोटिसेबल वीडियो में नहीं था, स्केल पे था। और आज 11 अक्टूबर है, शाम को मेरी फ़्लाइट है, इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहा हूँ मैं, 11 घंटे की जर्नी है। बट दिक्कत वाली बात यह है कि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई है अनफॉर्चुनेटली,
मैं अभी बॉडी पंप करके एक्सरसाइज करके नहीं दिखा पाऊंगा, तो मैंने सोचा जो कंडीशन है दिखा दूं, बिकॉज मैंने दवाई ली और मैंने बोला भाई ये तो बहुत ज़्यादा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शो यू गाइज दैट यू नो वॉट जर्नी आई बीन थ्रू. जितना मैंने सोचा था मैं उतना नहीं अचीव कर पाया, बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव डन. I have been able to control my addictions. I have been most disciplined in this entire month. I think I've felt the most strong in my entire life till now. Aur isse achhi physique maine aaj tak apni nahi dekhi. I know this is just the start. I'm going to take it to another level. But just makes me feel very very happy. Main aapko jaldi se dikha deta hu ki abhi current condition kya hai, and then if you want a complete video कि मैंने पहले तीन महीने में क्या किया और उसके बाद एक महीने में. अब वो एक महीना भी इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि आज रात को मैं 7 दिन के एक इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहा हूँ एंड आई वॉन्टेड टू हैव अ गुड बॉडी. तो उसके लिए मैं एक महीना थोड़ा सा एक्सट्रीम गया था कुछ चीज़ों को लेके. तो अगर आप वो सब भी जानना चाहते हो तो मेरे को कॉमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं एक एक चीज़ डिटेल में बताऊँगा और साथ में ये भी बता दूंगा जैसे फॉर इंस्टेंस मेरा कितना परसेंट बॉडी फैट में डिफरेंस आया, मसल मास में, मेटाबॉलिज्म रेट में, things that I used to eat, etc. So you need to tell me that. I'm quickly going to show you what my current body looks like, and then we are going to wrap this up. Say much, sab dikha diya hai, that is about it, that's what my journey looks like, these are the results. I hope this inspired you. I'll see you in the next one. Until then, take care, stay stylish.